अगर हमें इन दोनों में से किसी एक को गेमिंग के लिए चूज करना हो ना स्पेशली, तब आप यहाँ पर भाई रियलमी की तरफ जरूर से जाइए, क्योंकि ये जो स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट है ना भाई, तगड़ा चिपसेट है, गेमिंग तो आपको मक्खन वाली करवा देगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Realme 9SE 5G स्मार्टफोन को Redmi Note 11T 5G स्मार्टफोन के साथ में, और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आखिर कौन सा वाला आपकी नीड के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Realme के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Redmi के अंदर हमें 6.67 इंचेस की ही फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों अगर आपको डिस्प्ले भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से चाहिए ना, तब आप इन दोनों में से किसी की तरफ मत जाना भाई, क्योंकि AMOLED नहीं मिल रहा भाई किसी में भी आपको। लेकिन यार अगर आप एक गेमर है और गेमिंग के हिसाब से मेनली डिस्प्ले चाहिए ना, तब आप यहां पर भाई Realme की तरफ जरूर से जाइए, क्योंकि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है भाई, एकदम स्मूथ गेमिंग करवा देगा आपको। और अब बारी आती है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहां पर Realme का फोन Android 11 के साथ में आता है, जो कि Realme UI 2.0 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Redmi का फोन भी Android 11 के साथ में आता है, जो कि MIUI 12.5 पर बेस्ड है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर चिपसेट की, तो भाई Realme फोन के अंदर हमें Snapdragon 778G 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Redmi के अंदर हमें Dimensity 810 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वैसे तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के हिसाब से यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं, लेकिन यार अगर हमें इन दोनों में से किसी एक को गेमिंग के लिए चूज करना हो ना स्पेशली, तब आप यहां पर भाई Realme की तरफ जरूर से जाइए, क्योंकि ये जो Snapdragon 778G चिपसेट है ना भाई, तगड़ा चिपसेट है, गेमिंग तो आपको मक्खन वाली करवा देगा। और अगर हम बात करें यहां Antutu स्कोर की, तो Realme फोन का आता है 5,70,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Redmi फोन का आता है 3,75,000 के करीब। यानी कि दोस्तों अगर आपको एक अच्छे Antutu वाला स्मार्टफोन लेना ना, तब आप यहां पर भाई Realme की तरफ जरूर से जाइए। और दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहां पर LPDDR4X RAM को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है यहां पर बैक कैमरा सेटअप की। तो यहां Realme के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया है, वहीं दूसरी तरफ Redmi के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Realme की, तो इस फोन का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। बस दोस्तों इन्होंने कोई अल्ट्रा वाइड वगैरह भाई कुछ नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ Redmi फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। यानी कि दोस्तों मेन कैमरा तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स का बढ़िया है, लेकिन अगर Realme वाले 8 का अल्ट्रा वाइड दे देता ना, तो ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन नहीं दिया भाई, क्यों देंगे, पैसे भी तो बचाने हैं ना। इस हिसाब से तो भाई यहां पर Redmi का फोन ही विनर है। और अगर हम बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहां पर Realme के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ Redmi के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में यहां पर Realme का फोन ही विनर है। और अगर हम बात करें यहां पर फ्रंट कैमरा की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। साथ ही मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ बैटरी डिपार्टमेंट की, तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, जिसमें Realme का फोन 5 5G बैंड को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Redmi का फोन 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों 5G बैंड के मामले में यहाँ पर Redmi का फोन ही विनर है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ 3.5mm जैक की, तो हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर दिया गया है, लेकिन यार स्पीकर्स में तो यहां पर Realme वालों ने कंजूसी करी है, क्योंकि Realme का फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ Redmi का फोन स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। और अगर दोस्तों बात करें सिक्योरिटी की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी दिया गया है। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि भाई अभी Amazon और Flipkart दोनों के ऊपर दिवाली सेल चल रही है, जिसमें दोनों फोन्स की प्राइसिंग काफी ज्यादा कम हो रखी है, जिसमें आपको भाई Realme के फोन के 6+128GB मिलेगा 15,000 रुपए का, वहीं दूसरी तरफ Redmi फोन 6+128 आपको 14,000 रुपए का मिल रहा है। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, Realme को या Redmi को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलेगा। और यार अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए,
लिए। तो भाई अगर आप एक गेमर हैं, सिर्फ गेमर, तब आप यहाँ पर यार रियलमी की तरफ जरूर से जाइए। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हो ना कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से एक बढ़िया स्मार्टफोन, तब भाई इन दोनों में से किसी की तरफ मत जाना भाई, मजा नहीं आएगा कंटेंट वॉचिंग में। इसकी जगह आप पोको X4 Pro 5G की तरफ जा सकते हो, वीवो वगैरह की तरफ जा सकते हो। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।